हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आज इस आई जैजू तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हमने जैसलिन की स्विमिंग की क्लासेस जो है वो ज्वाइन करा दी है और आज है उसकी स्विमिंग का क्लास का फर्स्ट डे और इवनिंग में है लाइक 6:30 ऑनवर्ड्स वन आवर की आई थिंक क्लास होगी। तो इसके पापा भी साथ में करेंगे और हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उसके पापा का वेट कर रहे हैं। जैसलिन जो है वो तैयार हो गई है। हमने क्या किया, जैसलिन को कॉस्ट्यूम जो पहना दिए, उसके ऊपर उसके घर के कपड़े पहना दिए, सो दैट कि जब हम क्लास में जाएंगे तो बस शी जस्ट नीड टू रिमूव द अपर पोर्शन, जो भी अपर वाला पार्ट होगा। तो दिखाती हूँ मैं उसकी जिम की तैयारी में मैंने क्या क्या रखा है और बच्चों का जिम बैग किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या ज़रूरत होती है जिम तो बच्चों का स्विमिंग का बैग जब रेडी करें तो क्या क्या ज़रूरतें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्विमिंग क्लास भेजने से पहले। तो चलिए वो दिखा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं मतलब आई गॉगल्स जो चाहिए हैं, स्पेशली स्विमिंग के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि आँखें जो हैं वहाँ पे क्लोरीन वाला पानी होता है, पानी लाल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड है वो भी स्विमिंग करने जा रहे हैं तो उनके लिए भी शॉर्ट्स ले लिए हैं क्योंकि पानी के कपड़े अलग होते हैं। और ये मेरी बेटी के लिए हैं, अभी स्टार्टिंग में उसे ये पहनने की ज़रूरत है, बाद में शायद नहीं पहन में। और साथ ही साथ चाहिए होती है कैप, क्योंकि स्विमिंग का जो पानी होता है उस डेली पानी वो बालों में लगता है, क्लोरीन मिक्स होता है तो बाल ख़राब हो जाते हैं। और प्लस हस्बैंड की भी कैप रख ली है हमने और हस्बैंड के जो गॉगल्स हैं वो भी रख लिए हैं, वो भी दिखाती हूँ। जो भी कैप्स वगैरह लें आप थोड़ी ब्रांडेड ही लें, क्योंकि यू नो बहुत स्लिप होने का वो रहता है। तो ये हस्बैंड हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके ग्लासेस ले लिए हैं, साथ में टॉवल्स रख लिए हैं सेपरेटली, और साथ ही मैंने रखा है रबर बैंड जो जैसलिन के पहले बाल टाइप करके फिर उसे कैप पहनाएंगे। तो अब फटाफट चलते हैं, लेट हो रहे हैं हम स्विमिंग क्लास के लिए। फटाफट लॉक किया घर और मैं जा रही हूँ फटाफट जैसलिन को लेकर स्विमिंग की क्लास। आज हम सब लोग साथ में जा रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट क्लास है जैसलिन की, तो मैं लॉक करके आई। तो आगे आप देख रहे होंगे जैसलिन जा रही है, उसके पापा है, साथ में ओजस है और ये हमारी मेड है प्रीति। तो ये बहुत अच्छा ख्याल रखती है हमारे बच्चों का, तो इसका मन बिल्कुल हमारे बच्चों के साथ लगा हुआ है, ये भी बच्ची ही है एक तरीके से। तो अब हम लोग जा रहे हैं फटाफट स्विमिंग क्लास लेने के लिए। हमारा जो टाइमिंग है वो है 6 to 7, वहाँ पे 1 आवर का स्लॉट होता है, मतलब टोटल 45 मिनट्स आपको स्विमिंग के लिए मिलते हैं। जो प्लस टाइमिंग्स होते हैं वो चेंजिंग के लिए, शावरिंग के लिए, इसके लिए होता है। तो हमारे जो ओजस है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और देखते हैं ओजस और जैसलिन कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे जैसलिन को तो काफ़ी शौक है, काफ़ी दिनों से वो कह भी रही थी, तो हमें ही लग रहा था चलो क्या ज्वाइन कराए। तो जो आप ये देख रहे हैं राइट हैंड साइड में स्कूल, इसके अंदर ही स्विमिंग की क्लासेस भी होती हैं, डांस क्लासेस वगैरह करानी है वो भी है, प्लस कोई स्पोर्ट्स में आप बच्चे को डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल खिलाना है, फुटबॉल खिलाना है, हॉकी खिलाना है, क्रिकेट खिलाना है, कोई भी आपको वैसा आउटडोर गेम स्पोर्ट्स करवाना है बच्चे का, वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं, गाड़ी को पार्क कर दिया है, अब हम लोग निकलते हैं फटाफट यहाँ पे अंदर एंट्री करते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा गेट, तो यहाँ से कुछ लोग बाहर भी आ रहे हैं, तो वो लोग स्विमिंग कर चुके हैं, वो अपना बाहर आ रहे हैं। अब हमारा टाइम है जाने का, अब हम लोग अंदर चलते हैं और फटाफट से चेंज करके अब स्टार्ट करते हैं स्विमिंग करना। मैं जैसलिन को स्विमिंग की कॉस्ट्यूम उसकी ड्रेस के नीचे ही पहना के ले आई थी, सो दैट कि इतना टाइम वेस्ट ना हो वहाँ पर, और यू नो ऐसी जगह पर थोड़ा सा अनहाइजीन का इशू रहता है, तो आई डोंट वॉन्ट टू फेस दैट इशू। तो वो मैंने उसको जैसलिन को पहले ही करा दिया था चेंज, सो दैट कि ऊपर का जो कॉस्ट्यूम है वो अपना रिमूव कर लेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो जो ये स्टेयर्स है ये बैक डोर एंट्री है बेसिकली, तो इसको जो इंडोर है वो उस तरफ से है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये है स्विमिंग पूल। तो चलिए जैसलिन की ड्रेस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जैसलिन ने कर लिया है अपना ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है हमारी जैसलिन स्विमिंग ड्रेस अपना गॉगल्स एंड कैप के साथ। और अब पहुंच गई जैसलिन पानी में, लेकिन उससे पहले उसने लिया शार अपने पापा के साथ। तो ये ज़रूरी होता है शार लेना स्विमिंग पूल में जाने से पहले, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी यू नो पसीना आया हुआ हो और वो सब चीज़ें हो, वो पहले एक शार लेने से निकल जाए और आप फ्रेश होके पूल के अंदर जाओ, क्योंकि पूल में बहुत सारे लोग और भी होते हैं, तो यू नो एक ये हाइजीन उसमें काउंट होता है, तो आपको इस तरीके से स्विमिंग पूल में एंटर करना चाहिए। तो ये रूल्स भी हैं वहाँ के, हर स्विमिंग पूल के रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और जैसलिन ने मेंबरशिप ली है, तो उन दोनों की मेंबरशिप के थ्रू वो लोग यहाँ पे करेंगे 1-1.5 महीना जितना भी उसको मन करेगा।
वैसे मैंने जैसलिन के बारे में पूछा था कि वो कितने दिन में सीख जाएगी, तो उन्होंने बोला 2 से 2.5 महीने में बच्चे सीख जाते हैं नॉर्मली, तो वो पिकअप करने पर भी है। तो ये स्विमिंग के सारे ये बता रहे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यू हैव टू वॉक इनसाइड द वाटर, आपको वॉक करना है अपने हैंड्स स्ट्रेट करके वॉक करना है, दिस इज़ द फर्स्ट यू नो स्टेप जब आप स्विमिंग सीख रहे होते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है स्विमिंग का, आपको वॉक करना है। तो जैसलिन ने फर्स्ट डे ये वॉक ही किया, जैसे 10 राउंड करने हैं, 20 राउंड्स करने हैं, तो ये उसने किया और काफ़ी अच्छे से कर रही थी वो, तो हमें तो ऐसे लग रहा था कि बहुत जल्दी वो सीख जाएगी ये भी, तो उसके पापा हैं वो भी उसको हेल्प करा रहे थे, फिर बाद में उनको लगा कि वो कर रही है आराम से, तो फिर वो अपना अलग से स्विमिंग करने लगे, क्योंकि उन्हें स्विमिंग आती है बट 2-3 उनको ट्रिक्स सीखनी है, इसलिए उन्होंने जैसलिन के साथ ज्वाइन किया, और जैसलिन थोड़ा सा और कम्फर्टेबल हो जाए इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है अंडर वाटर कर रहे हैं, तो इनको तो बड़ा शौक है स्विमिंग करने का, मुझे नहीं आती है, मैं भी सीखूंगी जब मेरी जैसलिन सीख लेगी। तो यहाँ पे पहले बच्चों को, फिर सेकंड जो स्टेप होता है बच्चों को वॉल पे बिठा के आपको अपने जो लेग्स हैं उनसे स्विमिंग करना सीखना है। तो वो कैसे सीखते हैं, पहले वॉल पे उनको बच्चों को बिठा देते हैं और वो अप एंड डाउन करेंगे, तो आप देख रहे होंगे सामने ये जो सर हैं ये अब जैसलिन को सिखा रहे हैं कि पहले वॉक करके आओ और इस तरीके से पानी में चलो, वॉक किस तरीके से करना है ताकि आप पहले पानी में खड़ा होना सीख लें। तो सबसे पहला स्टेप तो उसको वही सीखना है, उसके बाद स्विमिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग बाहर आए, थोड़ा ग्राउंड में टाइम स्पेंड किया, मैं साथ में खाने के लिए कुछ लाई थी क्योंकि स्विमिंग इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज है, तो कुछ भूख लग जाती है, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए भी लेकर आई, पानी भी रखा हुआ था, खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह बिस्किट्स भी रखे हुए थे, सो दैट की भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा खेला और आप देख रहे होंगे सामने प्रैक्टिस चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स भी खिलाते हैं यहाँ पे आउटडोर, तो वो यहाँ पे आउटडोर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बच्चे, तो हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे क्योंकि इससे क्या है बच्चों का ना एक 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 आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हो जाती है साथ साथ, तो मुझे लग रहा था कि इतने टाइम भी जब तक ये जैसलिन स्विमिंग करे हम लोग बाहर भी बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, ओजस प्लस ओजस इंजॉय कर सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, है कोई आपको वीडियो पसंद आई होगी अपने बच्चों को स्विमिंग क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कराइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।